यूएसए के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। तो उन्होंने तो स्टार्ट किया एक्सपो सेट को लेके, और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था, उससे बहुत कम पैसे रखे हैं। और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा, तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। पाक स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलाने भी जीते हुए हैं। तो दो सोर्स थे हमारे पास, था एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था, उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था, तो लोगों ने वही सीख लिया। अब देख ले, हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेगा कि हम इंडिया से 300 जंगे करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोई रख सकते हैं उम्मीद? मतलब एक तरफ हम ये कहेंगे भाई हमने 300 जंगे करनी है इंडिया से, चाइना से, या किसी भी कंट्री से, और फिर साथ हम कहें हमने उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करता, क्या कहेंगे? ऐसी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए? जब पहले हमारा माइंड सेट ये होगा ना कि हमने जंगे करनी है, तो फिर उनके ख्याल में भी यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि हमारे दुश्मन है। एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और एक पढ़ा लिखा इंडियन, वो कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो बाहर के ममालिक में इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, और ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। और हमारे तो उनके साथ जुबान भी मिलती है, सकाफत भी मिलती है, हम तो हजारों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। इस टाइम पे जो हमारे तीन अहम तरीन पोस्ट हैं, एक हमारा चीफ जस्टिस और दूसरा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो तीनों जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, ठीक है? और अब ये जो रिसेंटली महरांग बलोच वाला एक मसला बना था, उसके ऊपर इन तीनों का क्या स्टांस था? इन तीनों ने वहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं किया जिससे वो मामला हल हो सके। 50 साल से हम एक घटिया नारा सुन रहे हैं, वही हमें सुनने को मिलेगा कि जनाब जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और दूसरा हमें ये सुनने को मिलेगा कि भाई ये फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में ना बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, वो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप ये कह के जान छुड़वा लो कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, इसको इंडिया फंड कर रहा है, और इसके अंदर राग एजेंट शामिल हैं। आप माशाल्लाह खुद एक चैनल वाले हैं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में यूट्यूब का दफ्तर है? नहीं, यूट्यूब का ऑफिस तो इंडिया में यूट्यूब का दफ्तर है। ऐसे अगर हम अपना यूट्यूब पाकिस्तान में फेसबुक मोनिटाइज देखे ना, कि हमने काम ही नहीं किया पाकिस्तान में रह के, और इंडिया ने वहाँ पे अपना यूट्यूब का दफ्तर बनाया। देखिए आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है और आपका चैनल बंद हो जाता है, इधर काम करने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन इस वक्त यूएसए के अंदर भी होने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होने वाले हैं, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, तो खित्ते की सूरत हाल टोटल तौर पे चेंज होने वाली है, ठीक है? लेकिन उधर तीन मुल्कों के अंदर होने हैं इलेक्शन, हमारे पाकिस्तान में होगी सिलेक्शन। मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊँ, ये भाई खड़े हैं मेरे पास, भाई आपको पता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर लेगा? हाँ जी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेगा? नहीं करेगा। ये एक बेस्ट जोन सा, इसरो ने एक बड़ा गिफ्ट अपनी पब्लिक को दिया है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है सैटेलाइट लॉन्च करके। पाकिस्तान में क्या गिफ्ट दिया गया, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया 2024 को, और हमने कैसे किया? देखिए उन्होंने तो स्टार्ट किया एक्सपो सेट को लेके, और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था, उससे बहुत कम पैसे रखे हैं। और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा, तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। और उसके बाद उन्होंने पहले भी मिशंस भेजे, जैसे चंद्रयान मिशन था, मून मिशन था, और ये जो यूएसए के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। इससे पहले यूएसए के अलावा और किसी कंट्री ने इसको स्टडी नहीं किया। चंद्रयान भी बड़ी अचीवमेंट थी मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी उनकी 2023 की अचीवमेंट। मैं अगर कहूँ कि 2023 की बरसगीर पाको हिंद की अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट है, तो वो चंद्रयान 3 थी, और उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, ठीक है, साउथ पोल के ऊपर। तो अभी जो है पाकिस्तान ने क्या दिया इंडिया ने, इंडिया ने तो चलो अपनी आवाम को एक तोहफा दे दिया एक्सपो सेट की सूरत में, पाकिस्तानी पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तानी आवाम को क्या तोहफा दिया है? वो तोहफा दिया है इनको ज्यादती की सूरत में, जुल्म की सूरत में। और उसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन थी, वो भी इन्होंने बैन कर दी, ठीक है? वो भी सेलिब्रेशन भी कर नहीं कर सकते। हाँ जी, हमने गजा के मुसलमानों के साथ खड़ा होना है, हमने जो उनसे इस तरीके से क्या पाकिस्तान में बड़ी बात ना होती कि अगर हम ये कहते कि भाई हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने बलोचिस्तान के साथ खड़े होना है, यानी मजा तो फिर था, तो फिर पता चलता दूसरे जाके हम वहाँ पे जाके मुसल ना, हमें उन्हें कोई फायदा। देखिए जी, अब बलूचिस्तान का जो मसला है वो पिछली दफा भी हमने इस पर बात की थी। अब इस टाइम पे जो हमारे तीन अहम तरीन पोस्ट हैं, एक हमारा चीफ जस्टिस और दूसरा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो तीनों जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, ठीक है? और अब ये जो रिसेंटली महरांग बलोच वाला एक मसला बना था, उसके ऊपर इन तीनों का क्या स्टांस था? इन तीनों ने वहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं किया जिससे वो मामला हल हो सके, ठीक है? लेकिन हमने इनको डमीज बनाया हुआ है, और इनको हमेशा उन पोस्ट पे लाके रखा जाता है जो डमीज पोस्ट होते हैं। बलूचिस्तान से जो लोग होते हैं ज्यादातर उन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या इस तरीके से पोस्ट पे रख दिया जाता है, लेकिन यह है कि ये डमी पोस्ट तो नहीं है। चीफ जस्टिस की पोस्ट जो है वो तो बहुत एक बड़ी ऑथेंटिक पोस्ट है।
चीफ जस्टिस की जो पोस्ट है जो रिसेंटली काजी फाइजीसा साहब हैं, अब मैं उनके बारे में कोई खुल के बात नहीं करना चाहता, कुछ बातें होती है नहीं करने वाली, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अगर बदतरीन को चीफ जस्टिस आया तो मैं इसको मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइम डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये इस टाइम डिक्टेटरशिप को लेकर चल रहा है, ये जब इसको चीफ जस्टिस बने कितना अरसा हो गया, तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं करवाए, जो कि इनकी आईनी जिम्मेदारी थी, ठीक है, कि मुल्क के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं, वो नहीं ये करवा सका, ठीक है, उससे पहले जो चीफ जस्टिस है मैं उनकी हमायत करता था क्योंकि उन्होंने एक स्टेप लिया था पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने का, लेकिन वो भी अल्टीमेटली पूरा नहीं हो सका क्योंकि हमारे इदारे जो थे वो एक पेज के ऊपर नहीं थे। अच्छा मुझे दिलशाद भाई ये बताइएगा, कश्मीर के हवाले से भी हम बात करेंगे, कश्मीर में मैंने जो नोट किया है, ऑब्जर्व किया, और आपने बोला कि 2023 की उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि जो उन्होंने चंद्रयान 3, मैं ये समझता हूँ कि उनकी और भी बहुत सी अचीवमेंट थी, और अगर 2024 G20 उन्होंने वहाँ पे करवाया, कश्मीर में करवाया, वहाँ पे यहाँ पे कश्मीर में करवाया, और उन्होंने न्यू ईयर के सेलिब्रेशन भी किया लाल चौक के अंदर श्रीनगर, मैंने भी देखी वीडियो, और वो पहले कभी देखने को मिली नहीं है, ये इस दफा उन्होंने काम किया। और दूसरा वो अपने पार्लियामेंट के अंदर अपनी असेंबली के अंदर बार बार कश्मीर का जिक्र भी करते हैं, और मुझे जहां तक लगता है मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूं कि वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट का या कोई प्रोग्राम या कोई बहुत बड़ी चीज जो है ना वो कश्मीर के हवाले से करने के लिए तैयार है, और वो उनकी गवर्नमेंट जो है 2024 में वो करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि भाई हमारा जो फोकस है 2024 को लेके या ओवरऑल जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का फोकस है वो क्या है, चाहे वो कश्मीर के लिए हो, बलोचिस्तान के लिए हो, लाहौर पाकिस्तान के लिए हो, या किसी भी पाकिस्तान के एरिया के लिए हो, हमारी क्या इस टाइम आपको लगता है विजन गवर्नमेंट का क्या है, पब्लिक का क्या विजन है, मतलब होता है ना कि यार पब्लिक में अवेयरनेस आ गई है, पब्लिक सोचेगी कि डेवलपमेंट की बात करनी है, एजुकेशन, आपको लगता है कि इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारे 50 साल से हम एक घटिया नारा सुन रहे हैं, वही हमें सुनने को मिलेगा कि जनाब जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और दूसरा हमें ये सुनने को मिलेगा कि भाई ये फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में ना बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी बुरा हो जाए वो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप ये कह के जान छुड़वा लो कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, इसको इंडिया फंड कर रहा है, और इसके अंदर राग एजेंट शामिल हैं, और ये सारा मामला हो रहा है। तो ये ज्यादा देर ऐसे चलेगा, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया से बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब मजीद तो नहीं ऐसा होगा कि हम कुछ भी गलत करें, कोई भी गलत पॉलिसी बना दें पाकिस्तान में, जब पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले या अपनी आवाज उठाए के लिए, तो हम ये कह दें कि ये जो ये तो इंडिया की फंडिंग से। यार पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए कैसे निकले, अभी आप ये देख लेंगे जमशेद दस्ती हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, 4 दफा वो नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, उनके साथ ये किया है हमारे कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने, कि उस बेचारे को उसकी बीवी को उसके घर वालों के सामने नंगा किया, उसके बच्चों के सामने और उसके हस्बैंड के सामने नंगा किया। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की कंडीशन है, ये डेमोक्रेसी की कंडीशन है, और ये दिन दिहाड़े तकरीबन ये काम उन्होंने किया है, और वो बेचारे ने अपनी वीडियो रिलीज किया, और मुझे बताएं कि अब ये चीफ जस्टिस जो फैजाबाद धरना केस को लेके बैठा हुआ है, अब मुझे बताएं कि इस बात पे उसने नोटिस क्यों नहीं लिया। ठीक हो गया, देखें ये चीजें सुन के, ये चीजें देख के, बातें सुन के बहुत दुख होता है कि भाई हम, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी हो, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी बात इंटरनेशनल लेवल पे की जाए, लेकिन ये मैं या दिलशाद भाई नहीं बोल रहे, ये 4 दफा पाकिस्तान के नेशनल असेंबली का जो मेंबर रह चुके हैं जमशेद दस्ती, उन्होंने खुद वीडियो अपनी रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर मौजूद है कि भाई उन्होंने बोला जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की, और ये एक के साथ नहीं, ये तो मिनिस्टर, मतलब ये है कि पॉलिटिशियन के साथ ऐसा किया जा रहा है, आम जो पब्लिक है उनके साथ क्या सिचुएशन, आम पब्लिक के साथ ये सिचुएशन है कि उठा के ले जाते हैं 3-3, 4-4 महीने, उनका पता ही नहीं चलता कि वो इस टाइम कहां पे मौजूद हैं। अभी तो चलो वो एक नेशनल असेंबली का मेंबर था, फॉर्मर था, तो उसने अपनी आवाज उठा ली, तो अब मुझे खुद ही साहब लगा जो कि एक आम आदमी है उसको अगर उठा के ले, उसकी तो आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं होता। और इस तरह हमारे मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना उसके नाम पे हमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम कोई बात खुल के बयान नहीं कर सकते, और वहां पे इंडिया में देख ले, उन्होंने G20 लेके आए हैं अपना 2023 के अंदर, ठीक है, चंद्रयान उन्होंने अपना सक्सेसफुल किया वहाँ पे ऊपर, और उसके बाद कश्मीर के अंदर जो उन्होंने अपने डेवलपमेंट किया वो आपके सामने है, ठीक है, उसके बाद 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया वो भी आपके सामने है, ठीक है, और उसके अलावा जो अपने आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो आपके ब्रांड्स हैं उनके अंदर कौन, एप्पल वहाँ पे आया, वहाँ पे आईफोन वहाँ से लॉन्च हुआ, तो आप मुझे के बारे में और यहाँ पे देखें भाई आप क्या कहना चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, 2023 गुजरा है, कोई 2-3 पाकिस्तान की अचीवमेंट बता देंगे यार 2023 में ये पाकिस्तान ने, हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की पब्लिक के लिए या इंटरनेशनल लेवल पे कोई इमेज बेहतर करने के लिए कोई कारनामा किया, एक या दो कुछ बता दें। नहीं जी अभी तक तो कुछ भी नहीं है हमने देखा, अभी तक हम तो 2000 इलेक्शन करवाए, ठीक है, और हमारा वोट भी पीटीआई को जाएगा, ठीक हो गया खान साहब। यहाँ पे मैं एक ही चीज के ऊपर पूरी पब्लिक, पूरी गवर्नमेंट, पूरा मीडिया घूम रहा है, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, और मैं ये
क्लियरली कह रहा हूँ, इलेक्शन हो भी जाएंगे तो रिजल्ट वही होंगे जो पावरफुल लोग चाहते हैं, वही होंगे। हाँ जी, अच्छा दिलशाद भाई, यहाँ से फोकस बड़ा ये गौर करने वाली बात है, दुनिया डेवलपमेंट की बात कर रही है, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, दुनिया आगे, दुनिया मतलब इकोनॉमी को, हम कह रहे हैं यार इलेक्शन हो जाए। अभी आप ये देखें ना कि इलेक्शन इस वक्त यूएसए के अंदर भी होने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होने वाले हैं, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, तो खित्ते की सूरत हाल टोटल तौर पे चेंज होने वाली है, ठीक है। लेकिन उधर तीन मुल्कों के अंदर होने हैं इलेक्शन, हमारे पाकिस्तान में होगी सिलेक्शन। ये बड़ा वाजह फ़र्क मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप ये पब्लिक खड़ी है, इनमें से किसी से भी पूछ लें कि आपको पता, ये आपको लोग बता देंगे 2024 के अंदर प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है, और ये इस बुनियाद पे नहीं बताएंगे कि पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे, वो इस बुनियाद पे बताएंगे कि हमारे यहाँ मुक्तदिर हलके जो हैं वो एक फैसला कर बैठते हैं कि इस बंदे को आगे लेके जाना है, फिर उसके लिए उनको अगली बंदे के पार्टी के बंदे तोड़ने पड़े, जेलों में डालना पड़े, जो भी कर। अच्छा। लेकिन अभी दुनिया देख लें, दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया इस तरफ ये जा रही है, आजकल जो सारी जंग है ना वो मईशत की जंग है, इकोनॉमी की जंग है, और हम अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं कि यार इस पार्टी के दो बंदे तोड़ रहे हैं, किसी तरह हम पावर में आ जाए, किसी तरह हम हैंडलर्स बन जाएं, किसी तरह हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। और अगर हमने यही रवैया अख्तियार रखा तो यकीन माने हमारा कोई मुस्तकबिल अभी तक नज़र नहीं आ रहा, जो दूर दूर तक हमें नज़र आता है वो भी नहीं आएगा। देखिए हमारी जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें देने के लिए हमें IMF से ट्रेंच लेनी पड़ती है, तो जब हम IMF की ट्रेंच के पीछे बैठे हुए हैं तो जो भी मुल्क है वो जो भी इदारे हैं वो यही सोचेंगे हमारे बारे में कि हम डिफॉल्ट, पहले भी हम डिफॉल्ट होते थे बड़ी मुश्किल से बचे हैं, ऊपर से हम ये अगर डिफॉल्ट होते बच जाते हैं तो हमें वो ब्लैक लिस्ट में फेंक देते हैं, ग्रे लिस्ट के अंदर हम आते हैं, फिर कोशिश करते हैं दोबारा आने की। हमारे यहाँ मेन मसला ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारे जो मेन दो तीन इदारे हैं उसके अंदर हमारा अदलिया का इदारा आता है, ठीक है, उसके बाद हमारा पुलिस का निज़ाम आता है, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट वगैरह आती है। आप मुझे खुद बताएं इस टाइम हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है पार्लियामेंट। ये भाई ये जो तकलीफ से बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि पब्लिक में भी समझ आने वाली बात है या ये ऐसी बोल रहे हैं? समझ आने वाली बात है, तो फिर क्यों नहीं पब्लिक में ये चीज़ें बताई जाती हैं आपके ख्याल से? इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो दिलशाद भाई बात कर रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को बताने के लिए? बात अच्छी की है कि हमने पिछले सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि महंगाई कम होगी कम होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। अब 2024 शुरू हो गया, यहाँ 1998-95-96 थी, आप देखें आज 2024 शुरू हो गया ऐसे ही, और हालत वही है, हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। दिलशाद भाई, जो प्राइम मिनिस्टर उम्मीद एक जो दिखाई जा रही है या बताया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ इस दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से बहुत से इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो एक मुझे पर्सनली थोड़ा बेहतर लगता है, उनके टाइम में ट्रेड खुलती है इंडिया से, उनके टाइम में रिलेशन बात जो बेहतर करने की बात की जाती है, क्या लगता है अब 2024 में अगर नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया से ट्रेड ओपन होगी, रीस्टार्ट होगी, रिज्यूम होगी, दोबारा से रिलेशन बेहतर होने की कोई उम्मीद होगी? और फिर बड़ी बात यह, क्या इंडिया अब चाहेगा, लेट्स सपोज कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है पाकिस्तान में, वो कहता है जी मैं इंडिया से ट्रेड करता हूँ, रिलेशन बेहतर, क्या इंडिया अब चाहेगा? देखिए पहले तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा नवाज शरीफ के आने से, जैसे आप कह रहे हैं हो मे बी और मे नॉट बी, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ को गवर्नमेंट उस टाइम हवाले की जाएगी जब उसके वो बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म होगा। ये मैं बता दूं कि जो एनालिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान बड़े एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि 2024 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर आएगा वो इंतहाई बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म होगा, क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, थोड़ी एक पार्टी की गवर्नमेंट, तो एक पार्टी की गवर्नमेंट आप दे नहीं सकते। आप देखें सूबे डिवाइड किए हुए हैं आपने, ठीक है, आप सिंध के अंदर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, पंजाब के अंदर अलग बैठी है, तो आप डिवाइड किया, और सूबों के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं कि इस सूबे के पास ये वसाइल है तो वो क्यों मेरे वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, वो कहता है वो क्यों मेरे वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। बलोचिस्तान के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, बलोचिस्तान के जो इशूज़ हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, फिर जब अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, कोई ऐसी ऐसी बात होगी, फिर ये कह दिया जाएगा कि रॉ ने साजिश कर दी, फिर ये कह दिया जाएगा कि ये हमारी नलायकी और नाहली छुपाने के लिए हमारे पास दो ही जगह, मैंने आपको पहले बताया कि या तो वो अमरीका करवा रहा है और या वो इंडिया ने जो फंडिंग कर दी या ये रॉ का एजेंट है, ये हमारे पास दो बहाने हैं, पड़े हुए हैं, जो भी नाकामी करेंगे उसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन अभी जो है ना, मैं ये कहूँगा एक डेमोक्रेटिक लीडर आए जो भी आए, और उसको चाहिए कि वो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो आके ये काम करे कि वो इंडिया के साथ अपनी ट्रेड खोले, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करे, और इंडिया के साथ बातचीत करे, निगोशिएशंस करे, मुजाकरात करे, छोड़ दो यार जंगे शंगे करने ही, हमने पहले बहुत सारी जंगे करके देख ली, हमें उसका कोई नतीजा नहीं मिला। अच्छा मैं मुझे ये बताएं, मैंने एक सवाल ये भी किया कि अब लेट्स सपोज कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है, वो कह भी देता है ओपनली आगे, कहता है जी हम चाहते हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर हो, वो कहता है कि हम चाहते हैं कि ट्रेड हो, लेकिन इंडिया से क्या रिस्पांस आएगा? क्योंकि उन्हें शिकवा रहता है जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब खत्म होगा तो ही हम रिलेशन बेहतर करेंगे, उनका अब ये कहना है, उनका ओपनली स्टांस। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाली बात उनकी किसी हद तक ठीक भी है, ये तो हमारे यहाँ मसाइल होते हैं भाई, आप देख लें कि हमारे यहाँ जो वैसे प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है,
तो वहाँ पे अगर कोई और, अब ये देखे पीछे रिसेंटली दाऊद इब्राहिम वाला किस्सा हुआ, तो जब आप इस तरह के वाकयात करते हैं तो आप कैसे अगले से उम्मीद रख सकते हैं कि वो मसूद अजहर की भी जो इंडिया को मोस्ट वांटेड है, इवन जो उनसे अगर हाफिज सईद की बात करें, बहुत से ऐसे नाम है जो फिर आप खबरें जिनकी आती हैं, मसूद अजहर की तो ये खबर आ रही है कि भाई शायद उसे मार दिया गया। अब देख ले हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेगा कि हम इंडिया से 300 जंगे करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोई रख सकते हैं उम्मीद? मतलब एक तरफ हम ये कहेंगे भाई हमने 300 जंगे करनी है इंडिया से, चाइना से या किसी भी कंट्री से, और फिर साथ हम कहें हमने उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करता, क्या कहेंगे? ऐसी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए। पहले तो हमारे अपने दिल साफ होने चाहिए, फिर हम नियत और फिर हमारा तल्लुक उनके साथ बेहतर होगा तो हम मुल्क में निज़ाम अच्छा लेके आएंगे। जब हमारा दिल साफ नहीं होगा, वो भाई वाली बात है कि हमने उनके साथ जंग करनी है, जब पहले हमारा माइंडसेट ये होगा ना कि हमने जंगे करनी है, तो फिर उनके ख्यालात में भी यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि हमारे दुश्मन है। अच्छा दिलशाद भाई, एक चीज मैंने नोट किया है जो देखने वालों को भी मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी पाकिस्तान में, कोई भी इंडिया से या किसी भी कंट्री से बड़ी नफरत करता हो, लेकिन जब उसे विद लॉजिक बात बताई जाती है, समझाया जाता है कि भाई नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, हमें रिलेशन बेहतर करने हैं, इंसानियत को प्रमोट करना है, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि लोग बात समझते हैं, कहीं ना कहीं हमें समझाने वाला नहीं है, फिर लोग समझा जो पावरफुल लोग हैं वो समझाना चाहते ही नहीं है कि भाई ये नफरतें खत्म की जाएं। देखिए जी हमारा सबसे बड़ा, आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे कोई भी बड़ा ही कोई मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट किस्म का कोई इधर शख्स मौजूद हो, कोई पाकिस्तानियों से कहें लॉजिक के साथ बात बताएं, वो नहीं समझेगा? लोग बात समझते हैं, पहले नहीं समझते थे, उसकी रीजन ये थी कि आखिरी बात उन लोगों की चलती थी, एक चैनल होता था पीटीवी, ठीक है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहाँ पे खबर चलाई जाती थी, और वो चलाते कौन थे? वो लोग चलाते थे, और उसी को वहाँ में फैला दिया जाता था। अब ये पाक स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलाने भी जीते हुए हैं, तो दो सोर्स थे हमारे पास, था एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था, उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था, तो लोगों ने वही सीख लिया। अब जो है, अब क्या हो गया, अब चैनल्स भी ज्यादा हो गए हैं, अब सोशल मीडिया आ गया, अब इंटरनेशनल मीडिया से लोग बात सुनते हैं, इंटरनेशनल अखबार पढ़ते हैं, तो अब वो सारी चीज़ें जो है वो पिछली दफ़ा जिससे पहले वो मैनेज कर रहे थे, अब उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया है। अब आप जिसको भी लॉजिक से समझाते हैं, जिसको भी बात करते हैं, वो अगला बंदा बात को ज़रूर समझता है। और मैं आपको सही बताऊं, एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और एक पढ़ा लिखा इंडियन, वो कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो बाहर के ममालिक में इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, और ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं, और हमारे तो उनके साथ जुबान भी मिलती है, सकाफत भी मिलती है, हम तो हजारों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। चाइना के साथ हमने आयरन फ्रेंडशिप रखनी है, चाइना जिनके साथ हमारी ना तो जुबान मिलती है ना उनकी बात की, वो हमारे आयरन फ्रेंड है। इंडिया जिनके साथ हम सालों साल रहे हैं, अभी भी बॉर्डर के मतलब बॉर्डर आ गया, वरना अदरवाइज अभी भी ये पाकिस्तान की अगर बात करें, लाहौर में हिंदू कारोबार करते रहे, सिख कारोबार करते रहे, वहाँ अगर अमृतसर की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुसलमान कारोबार करते रहे, कर रहे हैं, यानी हम तो आपस में एक दूसरे में मिक्स रहे हैं, हमें बॉर्डर ने लैदा किया और फिर अब हमें सोच ने लैदा कर दिया, उनके एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें लैदा कर दिया, अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते बॉर्डर ने लैदा किया। आप एजुकेशन सिस्टम ने उनको इसलिए बदल दिया कि हमारा एजुकेशन का बजट 3 डिजिट से कम है, ठीक है सर, हमारा 3 डिजिट से कम बजट है, तो हम किस तरह पढ़ाई में एजुकेशन में उनको कम्पीट कर सकते हैं? और हमारा जो डिफेंस का बजट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 अरब है, वो माशाल्लाह हर साल बढ़ता है, उसने कभी कम नहीं होना, और वो सिर्फ एक कंट्री के लिए मोस्टली जो बताया जाता है वो एक कंट्री के लिए बनाया जाता है। और मैं इससे जो बजट बढ़ता है और इसके पीछे देख ले कि हमें फायदा क्या मिलता है, हमें कौन सी जंग जीत के दिया इन्होंने, ठीक है, नहीं हमें कौन सा इलाका फतेह करके दिया है, हमारे लिए क्या किया है, सिवाय इस बात के कि हमारे घरों के अंदर लोगों को उठाया जाता है, लोगों की इज्जतों को पमाल किया जाता है, ना चादर चार दीवारी की तो तहफूज रखा जाता है, तकद्दस पमाल किया जाता है, बुजुर्गों को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है। यार आप लोगों को 2000 रुपए का 2000 अरब का बजट इसलिए आपको दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भाई मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं था, नहीं है और ना ही होगा। यही जो बजट है अगर एजुकेशन पे लगाएं, यही बजट, मैं एक और चीज क्लियरली कहता चलूं, यही जो बजट है हम अपना जो कहते हैं कि भाई इंडिया से हमें खतरा है इसलिए बजट बढ़ा रहे हैं इतना बजट, इसी में हम अपने एजुकेशन और अवेयरनेस सोशल मीडिया यूट्यूब या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये लगाएं अवेयरनेस के लिए पाकिस्तान की यूथ, मैं समझता हूं हमें उनसे जो सा वो डिफेंस किया इस चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही ना, देखिए अगर देखे ना, पाकिस्तान और इंडिया एक निगोशिएशन करते हैं, मुजाकरात के टेबल पे बैठते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी से मेरी तरफ मुतवज्जो हूं, मैं उनसे पूछता हूं, अगर ये चीज़ें हो जाएं तो मुझे बताएं क्या लोग सवाल नहीं करेंगे कि हम इतना बजट क्यों दें? हमारा सबसे बड़ा एक जो पाकिस्तानी जो एक अलहदा पाकिस्तानी है जो ये सोच रखता है, हम तो नहीं रखते, जो ये सोच रखता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हमारी सुलह हो गई,
अब मुझे बताए वही बंदा उठ के सवाल करेगा कि अब तो हमें किसी से खतरा ही नहीं है, सुलह हो गई हमारी, अब 1800 अरब को इस तरह करो, 1800 अरब को काट के 100 अरब कर दो, ठीक है, बाकी एजुकेशन पे लगा दो, हेल्थ पे लगा दो, 1700 अरब कर दो। अब मुझे बताए क्या वो लोग इस बात पे तैयार हो जाएंगे कि उनके मुंह से लुकमा छीन लिया जाए? और मेरे पाकिस्तानियों अभी भी समझ लो इस बात को कि वो नहीं चाहते कि हमारा जो लुकमा हमारे मुंह के अंदर है वो कोई खींचे आके। मतलब जिसकी जो ड्यूटी है वो करे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 में जैसे हर किसी ने कोई ना कोई गोल, किसी ने कोई ना कोई टारगेट रखे होते हैं, मैं ये चाहूंगा पाकिस्तान में भी रेजोल्यूशन आए, पाकिस्तान में पीस वाला कोई, मतलब ये पुरअमन तरीके से कानून के मुताबिक कोई ऐसा इंसान उठे जो इंकलाब की बात करे, हमें ये बताए कि दुनिया कहाँ जा रही है। अच्छा, दिलशाद भाई क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें सिर्फ कैमरे और माइक के साथ ये बोलेंगे, जब प्रैक्टिकली लोगों में जाके ये बातें करने की जरूरत है? बिल्कुल है। अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं, ये भाई खड़े हैं मेरे पास, जी जी भाई, आपको पता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर लेगा? हाँ जी। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेगा? नहीं करेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है अभी 2024 का, क्या इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फर्क है। वो फर्क है, इतनी महंगाई, ये बिल, बिजली, सब कुछ, ऐसा कोई निज़ाम नहीं आता। उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी गवर्नमेंट और अपनी आवाम को लेके चलता है। हमारे इधर है कि जहाँ पे जिसका दाल लगा हुआ वो लगा रहे हैं, यही तो हम रोना रो रहे हैं। डिफरेंस तो आप सबको पता है, लेकिन रोना ये रो रहे हैं, डिफरेंस आया क्यों, ये फर्क आया क्यों? मैंने आपको अभी, मैंने अपने व्यूवर्स को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। अभी इलेक्शन नहीं हुआ, एक पाकिस्तानी क्या कह रहा है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी टर्म पूरी करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं करेगा। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप 10 लोगों को बुला के पूछ लें, वो आपको यही कहेंगे। जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है तो एक इन्वेस्टर है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा? मुझे पता है 3 साल बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाना है। 3 साल क्या, कभी 2 साल बाद? 90s के अंदर क्या होता था हमारे यहाँ, 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी। तो जब आप स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, कौन सा इन्वेस्टर आप पे यकीन करके यहाँ पे इन्वेस्ट करने आएगा? और अभी तो आपको खबरें बताई नहीं जाती, आपके साथ सऊदी अरब ने रिसेंटली जो ऑयल रिफाइनिंग की डील है वो कैंसिल की है। आपको मीडिया पे नहीं बताया, मीडिया पे किसी ने बताई है कि हमारे साथ क्या हुआ है? मसला ये, किसी ने बताया कि ईरान को वीजा फ्री एंट्री दी है इंडिया को दी गई है ईरान की तरफ से वीजा फ्री एंट्री, और पाकिस्तान को नहीं दी गई? नेबर कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, दोस्त कंट्री है, ये नहीं बताएंगे कि, क्योंकि इससे जो है वो हमारा इंडिया का सॉफ्ट इमेज बेहतर होता है, वो नहीं बताएंगे। देखें, जब तक आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे तब तक आप नहीं देख सकते कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसलिए 2024 के अंदर पाकिस्तान को चाहिए कि मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि 2024 के अंदर पाकिस्तान की जो असेंबलियां हैं वो 5 साल अपनी मदद पूरी करें, प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे करें, उसकी टांगे ना खींची जाएं, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी का हो, एक डेमोक्रेटिक लीडर आए, डमी प्राइम मिनिस्टर हो तो भी 5 साल पूरे करें। यार डमी, हमारे यहाँ अभी तक सारी डमी प्राइम मिनिस्टर आए हैं हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्टीज बहुत ज्यादा हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी बुरे से बुरा डेमोक्रेट अच्छे से अच्छे डिक्टेटरशिप से अच्छा होता है, डिक्टेटर से अच्छा होता है। अच्छा, दिलशाद भाई ने पाकिस्तान को लेके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ये करता हूँ कि 2024 में जो सोशल मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, ज्यादा कुछ ना करे, सिर्फ और सिर्फ सच दिखाना शुरू कर दे, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ बहुत से इश्यूज हमारे वैसे ही सॉल्व होने की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि जब हमें इश्यूज का पता चलेगा, जब हमें अपनी रियलिटी, जिसे उर्दू में या सादा अल्फाज में औकात कहते हैं, हमें अपनी औकात का पता चलेगा कि इस टाइम हम कहाँ पे हैं, तो शायद फिर हम उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। मेरी ये ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि हमारा मीडिया इसके ऊपर काम करे, और ये बड़ी बात नहीं है। क्या कहते हैं दिलशाद भाई, कोई उम्मीद, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद 2024 के हवाले से पाकिस्तान को लेके आपको क्या उम्मीद है? 2024 में पाकिस्तान को लेके मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मामला बेहतर होंगे, क्योंकि अभी मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, यहाँ पे लोगों को बात रखने का मौका मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे हम अपनी बात रख रहे हैं लोगों के सामने। बिल्कुल, और अब आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोई बनानी चाहिए। मैं अपनी बात नहीं करता, कोई भी जो अवेयरनेस रखता है, जो समझता है कि पाकिस्तान को चेंज करना है, हमें यूथ को एंगेज करने की जरूरत है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में चेंज लाने के लिए हमें यूथ को अवेयर करने की और मोहब्बतें और पीस और इंसानियत का मैसेज देने की जरूरत है। ये जी लास्ट बात मैं यही करूँगा कि पाकिस्तान में 2024 के अंदर जो भी गवर्नमेंट आएगी, उसको मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, ठीक है, उनके साथ एक बैठ के मुआयदा कर लें कि हमने 100 साल तक या 200 साल तक कोई जंग नहीं करनी। करनी क्यों है? 100 साल तक, 200 साल तक हमने अमन रहना, ठीक है, यहाँ पे पीस होगा, ट्रेड होगी, बॉर्डर खुलेंगे,
ठीक है, और इस तरह के मामला लेके चले। आप माशाल्लाह खुद एक चैनल वाले हैं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में यूट्यूब का दफ्तर है? नहीं, यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। इंडिया में यूट्यूब का दफ्तर है? ऐसे है। अगर हम अपना यूट्यूब पाकिस्तान में फेसबुक मोनिटाइज देखे ना, क्या हमने काम ही नहीं किया पाकिस्तान में रह के, और इंडिया ने वहाँ पे अपना यूट्यूब का दफ्तर बनाया? देखिए आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है और आपका चैनल बंद हो जाता है। इधर काम करने वाला कोई नहीं है, तीन साठ हो जाएंगे, बंदा डिसपॉइंट होके कहेंगे छोड़ दो। और उधर वो उनकी कंपनी है, उनके दफ्तर है, आपका कॉपीराइट आता है, वो काम करते हैं। जो भी कोई इशू होता है उसके ऊपर आपको मिसाल दिया कि हमने काम किया ही कोई नहीं।